अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। मोबाइल यूजर्स का सबसे बड़ा अलमिया, द मोबाइल स्पीड इज़ नॉट कंसिस्टेंट। आप टावर से थोड़ा सा दूर चले जाएं, मोबाइल स्पीड ड्रॉप हो जाएगी। आपके दिन का वक्त चेंज होगा, सुबह से शाम होगी, आपकी स्पीड ड्रॉप हो जाएगी। आपके टावर के ऊपर यूजर्स अगर बढ़ जाएंगे, आपकी स्पीड ड्रॉप हो जाएगी। सेम इज़ द केस विद मी। अगर आप इस सोसाइटी के जहाँ पे मैं रह रहा हूँ गेट के ऊपर चले जाएं तो आपको स्पीड मिलेगी तकरीबन 127 मेगाबिट्स पर सेकंड, 127। अगर आप मेरे घर के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे मैं एक्चुअल में रहता हूँ, वहाँ पे आपको स्पीड मिलेगी तकरीबन 48 मेगाबिट्स पर सेकंड। एंड इफ यू कम टू द स्टूडियो वेयर आई एम राइट नाउ, द स्पीड विल ड्रास्टिकली ड्रॉप टू अराउंड 5 मेगाबिट्स पर सेकंड ऑन द एवरेज। अक्सर वैसे 5 मेगाबिट से भी कम आ रही होती है। एंड इफ यू सी द सिग्नल स्ट्रेंथ, हार्डली आपको कभी एक बार कभी दो बार 4G की मिल रही होगी। व्हाट टू डू विद ऑल ऑफ दैट? कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। वेल, आई हैव फाउंड वन सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आप सबके लिए एक सोल्यूशन मैंने ढूंढा है, एंड द सोल्यूशन इज गो बूस्ट सिग्नल बूस्टर। आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम अली एक्सप्रेस। इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, सो इफ यू वॉन्ट टू बाई इट यू कैन गो अहेड एंड बाई इट। बट डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक इस सिग्नल बूस्टर के बारे में आपको एक एक चीज बताऊंगा। एंड ऑफकोर्स आई विल टेल यू अबाउट माई फाइंडिंग्स, मुझे कैसा लगा ये, मेरे लिए इसने वाकई काम किया या नहीं किया। दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन तमाम सवालों का जिनका कि आपको जवाब चाहिए, इंशाल्लाह आपको वीडियो के बीच में मिलता रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। बूस्टर जनाब जो मैंने ऑर्डर किया है, इसके बेसिकली चार पार्ट्स हैं। ये इसका इंडोर एंटेना है, विच इज वेरी कॉमन। दूसरा पार्ट है ये आउटडोर एंटेना, जो कि ऊपर छत पे मैं जाके लगाऊंगा अपने स्टूडियो की छत के ऊपर। तीसरा पार्ट जो है दैट इज द मेन सिग्नल बूस्टर, जो कि हमारा इंडोर लगेगा घर के अंदर। ये पावर एडॉप्टर है इसका, एंड दिस इज 12 वोल्ट्स एंड 2 एम्पीयर्स। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है, दिस इज द कोएक्स केबल। अगर आपके घर में नॉर्मल केबल लगी हुई है, RJ5, RJ6, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बेसिकली ये केबल इसके साथ ही मंगवाई है। क्योंकि रीज़न ये होती है कि जितने भी आपके मोबाइल के सिग्नल बूस्टर्स होते हैं ना, 3G, 4G, 2G के, उनका ये कनेक्टर ज़रा डिफरेंट टाइप का होता है। अगर आप अपनी लोकल केबल इस्तेमाल करेंगे तो आपको गो बूस्ट का जो ये वाला कनेक्टर है ना, इसके साथ एक अडॉप्टर लगाना पड़ेगा, उसके साथ आपको फिर अपनी नॉर्मल केबल वाला अडॉप्टर लगाना पड़ेगा। और इसी तरीके से जब आप आउटडोर एंटेना के ऊपर आएंगे तो आउटडोर एंटेना के ऊपर भी आपको इस कनेक्टर के साथ अडॉप्टर लगाना पड़ेगा, वरना आपकी नॉर्मल केबल इसके साथ चलेगी नहीं। अब एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं। मुझे ऑलरेडी ये पता है कि पाकिस्तान में जो मोबाइल नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन 800, 1800 एंड 2100 मेगाहर्ट्ज़। 600 पे भी है, दैट इज टेलीनॉर जो अपना 4G 600 मेगाहर्ट्ज़ पे चला रहा है, बट दैट इज़ नॉट सो कॉमन। बाकी नेटवर्क कोई ऑपरेट नहीं कर रहा, तो मैंने इसलिए उसको कोई ज़्यादा अहमियत दी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप 600 मेगाहर्ट्ज़ वाला भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है आपके कंट्री में, आपके शहर में, आपके नेटवर्क की, तो फिर आप उसके हिसाब से प्लीज़ मंगाइएगा। तो आपको जितनी भी एम्पलीफिकेशन चाहिए हो आप उस हिसाब से मंगवाइएगा। मैंने बेसिकली ये 10 dBi वाला स्पेशली इस मकसद के तहत भी मंगवाया है कि व्हेन आई विल गो ऑन शिप, जब मैं जहाज पे जाऊंगा तो इंशाल्लाह मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा, एंड आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प मी ऑन द शिप, सिग्नल अच्छे आ जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप। अब हम लेके चलेंगे अपने इस पूरे इक्विपमेंट को छत के ऊपर, बिकॉज दीज आर द टू पार्ट्स दैट हैव टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ, सो लेट्स इंस्टॉल देम। ठंड बड़ी हुई हुई है, टेम्परेचर इज अराउंड 7 degrees centigrade। यार ये लाहौर है क्या है? एनीवे, लेट्स गो टू द टास्क। ये है इसका आउटडोर एंटेना। आउटडोर एंटेना पे अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे अप का निशान बना हुआ है, यानी कि दिस साइड हैज़ टू बी अप। और मोर ओवर ये जो कोन है ना इसकी, इसकी डायरेक्शन आपने करनी है अपने सेल टावर की तरफ। फॉर मी आई नो कि माई सेल टावर इज राइट देयर, वहाँ पे उसकी तरफ मैंने करना है इसको, कोन के निशान को। आई हैव माई पावर टूल विद मी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वैसे। आफ्टर वी हैव डन दैट, तो इस केबल के इस एंड को आपने गुजारना है इसके अंदर से। अब याद रखिएगा कि हमने इस डायरेक्शन को अप रखना है। ये क्लैंप्स इस बॉक्स के साथ ही आए हैं, क्योंकि मैंने इसके साथ ही मंगवा लिए थे, यूजुअली बॉक्स के अंदर ही होते हैं, ना हो तो मंगवा लीजिएगा, बहुत आम सी चीज़ है। ऑल राइट जी, व्हेन दीज क्लैंप्स आर डन, इट्स टाइम टू इंसर्ट द पो लिटिल मोर टाइट। देन कम्स ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप, कि हमने इसको करना है फिक्स। नेक्स्ट पार्ट में कनेक्टर को हमने ओपन करना है, और कनेक्टर को जनाब आपने फेयरली टाइट कर देना है। तार ऑलरेडी जा चुकी है नीचे, सो इट इज टाइम टू रैप अप द टूल्स। लेट्स हेड डाउन नाउ। आप जब इस इक्विपमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉर्नर पे लिखा हुआ है BTS,
BTS जहां लिखा हुआ है वहां पे आपने आउटडोर एंटेना को कनेक्ट कर देना है। ओपन अप करने के बाद इस एंटेना को आपने कनेक्ट कर देना है, जिस साइड पे लिखा हुआ है मोबाइल उस साइड पे आप इस एंटेना को एडॉप्टर को आपने कनेक्ट करना है जनाब, DC वाली जगह पे। इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुकी है मुकम्मल, एंड नाउ इट इज द टाइम टू सी कि हमें वाकई कोई किसी किस्म का गेन हासिल हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन मैंने कल ऑलरेडी मुकम्मल कर ली थी। By the evening, I finished everything. मैंने अपनी टेस्टिंग स्टार्ट की और ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी एंड नॉट वेरी सेटिस्फाइड, और मुझे लग रहा था कि यार समथिंग इज ऑफ, या तो ये बूस्टर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा या फिर मेरे इक्विपमेंट में कोई मसला है। रीजन, मेरा जो आईफोन था उसके ऊपर एक बार सिग्नल की बड़ी, आई वॉज गेटिंग 3 कंसिस्टेंट बार्स, बट एट द सेम टाइम मुझे स्पीड नहीं थी मिल रही। ऑन द अदर हैंड सेम नेटवर्क की सिम मेरी वाईफाई डिवाइस के ऊपर, उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गई, इट वॉज फुल सिग्नल एंड आई वॉज गेटिंग कंसिस्टेंट स्पीड ऑल्सो। अच्छी स्पीड नहीं थी लेकिन कंसिस्टेंट थी, 10 megabits अपलोड 10 megabits डाउनलोड। आईफोन लेकिन मेरा जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो आई वॉज नेचुरली अ लिटिल बिट वरीड, मैं थोड़ा सा परेशान भी था, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। फिर उसके बाद मेरा दोस्त आया कमाल मंसूर, ही हैड 2 फोन्स एंड 3 डिफरेंट नेटवर्क्स। अली आया, बच्चा है मेरे साथ काम करता है, वो अपना फोन लेके आया, उसके फोन पे थे 2 नेटवर्क्स, तो जोंग भी था, टेलिनॉर भी था, यू फोन भी था, जैज भी था, और मैंने उनके सबके फोन्स को रखा, जिनका के स्क्रीनशॉट आप अभी यहां पे देख रहे हैं। एंड व्हेन आई स्विच्ड ऑफ द मोबाइल बूस्टर तो सबकी एक एक बार डेढ़ डेढ़ बार ड्रॉप हो गई। जब मैंने मोबाइल बूस्टर को ऑन किया तो सबकी एक एक बार इंक्रीज हो गई, मेरी वाईफाई डिवाइस की भी इंक्रीज हो गई, बट आई वॉज अनेबल टू गेट द इंक्रीज ऑन माई आईफोन। इसकी फिर मैंने वजह तलाश की, मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, हर फोन रिस्पॉन्ड कर रहा है, मेरा वाईफाई डिवाइस रिस्पॉन्ड कर रहा है, आईफोन क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा। तो जनाब इसकी वजह यह है कि आईफोन बेसिकली टावर की आईडी ढूंढता है, और टावर की आइडेंटिटी आईफोन को मिलती है तो उसके बाद आईफोन रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी और वो तमाम की तमाम चीज़ें जो मैंने आपको अपनी एक और वीडियो में एक्सप्लेन की थी याद है ना, शॉर्ट आईडी हैशटैग, लॉन्ग आईडी हैशटैग, ये सब के सब वो काम टावर के साथ भी कर रहा होता है। जब दरमियान में सिग्नल बूस्टर आ जाता है तो सिग्नल बूस्टर इसको सिग्नल बूस्ट करके देता तो है, लेकिन एट द सेम टाइम इसको टावर की आईडी नहीं दे रहा होता। That was the reason कि जब मैं अपने फ़ोन को ऑन करता हूँ तो इनिशियली पूरी की पूरी बार्स होती हैं और फिर उसके बाद एकदम ड्रॉप होकर वापस 3 के ऊपर आ जाती हैं। थोड़ी सी सिग्नल स्ट्रेंथ इंक्रीज जरूर हो जाती है लेकिन ना तो स्पीड में कोई फर्क पड़ता है और ना ही कोई कॉल क्वालिटी में फर्क पड़ता है, लेकिन बाकी तमाम फोन्स, एंड्रॉयड फोन्स की बात कर रहा हूँ मैं और वाईफाई डिवाइस, ऑल ऑफ देम पिक अप द सिग्नल्स, दे इंक्रीज द स्पीड एज वेल। टॉकिंग ऑफ द स्पीड टेस्ट हम अपने देख लेते हैं अभी डिटेल्स में आके। As I said, upload speed बहुत कम थी लेकिन after installing this booster मेरी upload speed भी consistent 10 आ रही है और download speed भी almost consistent आ रही है। तो अब वो चीज़ नहीं हो रही, वो fluctuation का सामना मुझे नहीं करना पड़ रहा जो कि मुझे पहले करना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पर signal strength कम थी। So I must say कि at least वो 1 Mbps से तो भी बढ़ गई upload speed मेरी, and I can handle YouTube now easily and YouTube uploading and my work easily with the help of this device and with the help of this signal booster. But याद रखिएगा कि अगर आप iPhone user हैं तो this might not work for you. लेकिन बाकी users, even if you have an Android phone or you have a dumb phone, तो आपकी signal strength भी बढ़ जाएगी, आपकी signal quality भी बढ़ जाएगी और आपकी speed भी बेहतर हो जाएगी. But not for the iPhone users, at least that is what my experiment says. तो जनाब ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपके काम आई हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, विथ टन्स ऑफ लव टू माय ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली। दिस इज ऑरेंज शॉर्ट्स, आई एम जाहिद निसार, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।